बैक टू माई यूट्यूब चैनल शैली व्लॉग। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है गर्म पानी और चाय से। फिर मैं छत में चले गई थी, धूप तो निकल चुकी थी पर ठंडा बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। इन दो दिनों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और कुन्नी अपने बच्चे को रेडी करा रही है। हमारे उसमें बोलते हैं कि नहा धो के खाली पेट जाना चाहिए क्योंकि मंदिर में दर्शन होंगे उसके बाद ही खाना खाते हैं। और मैं इतने दूर से इधर आई हूँ, कहाँ आई हूँ वो मैं दिखाऊंगी बताऊंगी नहीं। तो यार इतने दूर से आई हो तो बनता है कि मतलब एक दो घंटे का है यार, पूजा हो जाएगी उसके बाद खाना कंटिन्यू कर लूँगी। तो बस यही अभी फ्रूट्स खा रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने चाय वाय पी थी, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, कुनी ही बस रेडी हो रही है। फिर उसके बाद हाफ एन आवर में हम निकलेंगे और फिर उसके बाद दिखाऊंगी हम कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो व्लॉग में बने रहिए, मैंने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाइए लाइक शेयर करें। व्लॉग में जितने भी देखोगे ना आप सब शर्मीले हैं, मेरी बहन मुँह छुपाती है, मेरी फ्रेंड मुँह छुपाती है, मेरा भाई आता है वो भी कितने बार बोलता है मेरे को मत लेना व्लॉग में, बताएगी भी नहीं। तो गाइस मैं बता देती हूँ, पूरी खा रही है, कद्दू की सब्जी, रोटी और साथ में लगी गरम गरम चाय। अब मैं ऐसी रखूंगी जब तक खाना खत्म नहीं होगा। A few moments later. तो भाई ये भूल गई अपना पर्स घर में, तो शिवम के लिए देख ले भाई कैप है ना, अपन इतने वैसे ना जैसे राजा महाराजा ने नच्ची लगा रखी है शिवम। सबसे पहले चने ले लिए थे, ऊपर बंदर मिलेंगे उसले, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपने लिए सामान ले लिया था और मेरे पास चेंज नहीं था मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो थोड़े बहुत चेंज भी ले लिए थे मैंने यहाँ पे। तो फिर यही है गाइस, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप चढ़ के भी जा सकते हो और उड़न खटोले में भी जा सकते हो। प्लीज सारी सीढ़ियों खत्म हुई, फिर से सीढ़ियाँ आ गई, फिर से गर्म होने लग गया था जनाब। अभी सीढ़ी बहुत ऊपर है और मेरी सांस अभी से तेज होने लगी। बट अभी और भी है ना, अभी लोग इधर आते हैं, एक उतार लिए मैंने, रख दिए कमर पे और अभी जाम जा रहे हैं, थोड़ा सा और बचा बस। इसकी शक्ल में देखो बिल्कुल भी लगा नहीं कि थकी है मेरी शक्ल। मंदिर गए थे, अब हम जाने वाले हैं हरिद्वार, फिर उसके बाद जाएंगे हम कौन से मंदिर, चंडी देवी। चंडी देवी तो भाई चढ़ाई तो थी पर दर्शन हो गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका है पर फाइनली टाइम से हमारा दर्शन हो चुके हैं। 12 बजे पहुंच गए नीचे और यहाँ है हनुमान जी का मंदिर छोटा सा टीका लगाने के लिए। जी फाइनली मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और नींबू पानी पी लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो सोचा चलो पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम नीचे उतरे ना, ये भैया बैठे हुए थे यहाँ पे और बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हमसे बोले थे आप भी एक बार चेक कर लो, मे बी आपकी राशि का भी कुछ हो। तो ये जो स्टोन था ना, इसमें पानी डाल के ना इसमें कलर निकला था, जैसे पिंक कलर निकले तो ये राशि का कुछ बोल रहे थे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो हमने इसे छोड़ा और हम यहाँ से देखने लगे भाई हरिद्वार के नज़ारे, क्या नज़ारे दिख रहे थे क्योंकि हमें यहीं जाना था। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और देख सकते हो भाई इतना ज्यादा रश है, आज संडे है ना, संडे को भाई जितने लोगों की छुट्टी होगी सब आए हैं। तो फाइनली ये ड्रीम पूरा हुआ हरिद्वार का, गंगा स्नान करने का। तो अब हम देख रहे हैं कहाँ पे रश कम है तो वहां से डुबकी मारेंगे भाई। तो भाई कुन्नी और पति यहाँ खड़े रहेंगे और मैं जाऊंगी इसके अंदर लगाने के लिए।
हरिद्वार की भोटिया मार्केट। तो कैसे ना? फाइनली गाइस हम पहुंच गए घर और बहुत ज्यादा थक चुके, पता नहीं मेरे यहाँ पे क्या हो गया है बट बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि हम गए थे मनसा देवी मंदिर, फिर उसके बाद गए थे हरिद्वार गंगा नहाया था क्योंकि मुझे जाना था, मेरा ड्रीम था। तो फाइनली दो जगह तो कंप्लीट हुआ, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, दो तीन मंदिर और है जो घूमूंगी, अभी टाइम नहीं है क्योंकि अब यहाँ से जाना है मुझे अपने होम टाउन, तो निकलूंगी शाम को और अभी थक चुके हैं तो अभी रेस्ट करना है, 4 बज चुके हैं तो अभी रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद निकल जाऊंगी मैं 7:30 या 8 o'clock निकल जाऊंगी, यहाँ से बस जाती है डायरेक्ट अल्मोड़े के लिए।